Assalamu alaikum. I'm very delighted to be here and to be part of this very important conversation and to be able to facilitate this. Raza has already introduced the very esteemed panel that we have, and it's a great privilege to be in conversation with all three of them. जो टॉपिक है जिसके बारे में जैसे उन्होंने अपने इब्तदाई कलमात में फरमाया कि पाकिस्तान एट 25, पाकिस्तान 75, पाकिस्तान एट 100, तो ये जो गुफ्तगू थी कि पाकिस्तान जो बहुत अरसा चली, कुछ अरसा पहले तक भी थी, कि इस पाकिस्तान अ टेनेबल स्टेट और नॉट, आई थिंक दैट नाउ एट 75 इज सॉर्टेड के यू नो एज अ द डिग्री ऑफ परमानेंस जितनी रियासतों में आ सकती है उतनी तो है. अब पाकिस्तान हमेशा से नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, ये तो हमें पता है, बट इट सीम्स एंड दैट्स व्हाई द क्वेश्चन दैट वी पुट टू द पैनलिस्ट, द ब्रॉड क्वेश्चन इज कि इट सीम्स कि ये शायद अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है जहाँ पे इट सीम्स देयर इज अ परफेक्ट स्टॉर्म, खा वो सियासी फ्रंट पे हो, खा वो रियासत के फ्रंट पे हो, खा वो मईशत के फ्रंट पे हो, खा वो समाजी फ्रंट पे हो. और गुफ्तगू कल मैंने कुछ यहाँ पे सुनी और पाकिस्तान के जो कौमी मकालमे में एक हिस्सा है कि एलीट कैप्चर है रियासत का, सियासत का, मईशत का. और एक चीज़ जो हम समझने की कोशिश करेंगे अपने पैनलिस्ट से वो ये है कि व्हाट डज दैट मीन व्हेन वी से, बिकॉज दैट्स समथिंग दैट ऑल ऑफ अस से, देयर इज एन एलीट कैप्चर ऑफ द स्टेट, देयर इज एन एलीट कैप्चर ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ द स्टेट, देयर इज एन एलीट कैप्चर ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द स्टेट. एंड I mean, all states have elite captures. That's part of the definition of an elite. Agar riyasat hai, uski ek elite hai, to zahir hai. Isi wajah se elite hai. So, I think I'll start by asking, and then the question of social contract, jis pe Asad jo hai, wo khas taur pe baki panelists bhi, because ye ek aini baat bhi hai, constitutionalism ki baat bhi hai. Magar ye ki jo social contract hai, jo riyasat aur awam ke darmiyan muayda hai, wo हम दोबारा, अब ये क्लीशे है पाकिस्तान में और सच बात भी है कि वो इट इज़ ब्रोकन डाउन, मगर वो भी व्हाट डज दैट मीन, जिस पे उमैर जावेद हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी एक जो चीज़ जो आई मीन वो डॉन में लिखते हैं, और एक बात जो मेरे मुझे याद है वो ये कि बहुत से मसाइल हैं लेकिन एक मसला जो पाकिस्तान का बन गया है जो कि पाकिस्तान की आवाम या ये जो 1940 पाकिस्तान 2047 की बात करते हैं, दे हैव बिकम कम्प्लीटली मार्जिनल. कभी भी हालात अच्छे नहीं थे वगैरह वगैरह, मगर इन द पास्ट 10 साल 20 साल हमने देखा है कि वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से कम्प्लीटली मार्जिनल हो गए हैं. तो हम बार बार कहते हैं कि ये पॉपुलिस्ट रियासत है, ये पॉपुलिस्ट पार्टियाँ हैं, पॉपुलिस्ट हुकूमत है, तो शायद ये पॉपुलिस्ट नहीं है. पॉपुलिस्ट होते तो कम अज़ कम लिप सर्विस देना जो है, मैं 2018 के इलेक्शन में किसी ने गरीब से वोट भी नहीं मांगा किसी पार्टी ने. मैं आई डोंट वांट टू गो इनटू द पार्टीज एंड पार्टनर्स. सो आई थिंक द बेस्ट वे टू स्टार्ट विद द पैनल विद द इनसाइट एंड द एक्सपर्टीज दैट आई हैव इज टू स्टार्ट विद द प्रॉब्लम स्टेटमेंट दैट दे हैव एन ओपनिंग रिमार्क्स फॉर 3 to 5 minutes ऑफ not only where we are, because it is bleak and depressing and grim, and I think that has been done, and that's we'll continue to do this after this panel, but what's the future trajectory looks like, and what in the each of their view. And I'll start in, sort of with Asad, because he's sitting right next to me. Asad? Ji. No pressure now, huh? No, sorry. No, it's the best way to go about things. आपने ओपनिंग स्टेटमेंट की बात की, मेरे ख्याल से 3-4 बुनियादी इकदाम थे पाकिस्तान के बनते साथ ही, जिनकी जब आपने उनको सामने रखा तो आपकी जो अपनी कोताही थी उस वजह से वी आर हेयर पाकिस्तान एट 75. आई डोंट थिंक कि सारी डिप्रेसिंग बातें करनी चाहिए, लेकिन बात ज़रूर करनी चाहिए कि इसका हल क्या है. तो पाकिस्तान एट 100 शुडंट बी पाकिस्तान एट 75. जो पहली चीज़ है वो ये है कि 1947 में जो ज़रई इस्लाहात की अशद ज़रूरत थी वो आप ना कर सके, यानी कानूनी तौर पे जो आपके ज़मीन वाले लोग हैं आप बेज़मीनों तक वो ज़मीन मुंतकिल ना कर सके. अब 70 साल बाद आप चाहे
दिस इज़ यू नो दैट बूमर थियरी साउथ कोरिया एंड एवरीथिंग, लेकिन उससे हटके आप चीन देख लें, जनूबी कोरिया देख लें, वियतनाम देख लें, अगर दी इकोनॉमिस्ट जैसा सरमायादार पसंद रसाला कह सकता है कि एशिया में तरक्की तभी आई जब आपने ज़रई और ज़मीनी असलाहत किए, तो हमें भी इस चीज़ पर अब इतफाक कर लेना चाहिए कि जो आपने 60 की दहाई में जब आप नाकाम हुए और 70 की दहाई में जब आप नाकाम हुए अयूब साहब और भुट्टो साहब के दौर में, आज एक फेडरल शरीयत कोर्ट का अपील है जो अदालत उज़्मा में अब रिव्यू के तौर पर सुना जा रहा है, विच इज़ स्टिल पेंडिंग, अभी भी काबिल समात है कि लैंड रिफॉर्म क्या उसको इस्लामी करार दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता, वहाँ से शुरू करें, उस रिव्यू पटिशन को आर्ग्यू करें, इस चीज़ से आगे बढ़ें ताकि बुनियादी तौर पे जो वसाइल की रीडिस्ट्रीब्यूशन है वो हो सके। तो ये पहली चीज़ आई थिंक आप इसमें बुरी तरह नाकाम हुए। जो दूसरी चीज़ है और बहैसियत एक बहुत अदना सा वकील कहना चाहिए कि आपके अदालती निज़ाम में आप एक बेसिक कॉन्ट्रैक्ट को, एक बुनियादी मुआहदे को आप उस पर अमल दरामद नहीं करा सकते, और यहाँ जो बार में कुछ सीनियर हैं मेरे, तो गुस्ताखी माफ़ माजरत के साथ उनका जो इख्तलाफ है वो वाज़े है। हमारा जब पूरा अदालती निज़ाम अंग्रेज़ी ज़ुबान में होगा, तो चाहे आप सिविल में दरख्वास्त गुजार हों, या आप फौजदारी के केस में मुलज़िम हों, या आप किसी जेल में बंद कैदी हों, आपका इस कानूनी निज़ाम में हकीकी तौर पे शमूलियत नहीं हो सकती जब तक आपको उसी ज़ुबान की समझ नहीं होगी। तो ये कहना कि जी हमारे कुछ अंग्रेज़ों के ज़माने से प्रेसिडेंट चलते आ रहे हैं, अगर हम आज तर्जुमा शुरू कर दें तो आपका कानूनी निज़ाम तबाह बर्बाद हो जाएगा, ये मैं कहना चाहूँगा अगेन माजरत के साथ कि आपका कानूनी निज़ाम काफ़ी हद तक गैर फ़ाल हो चुका है। अगर आपकी अवाम की अक्सरियत अपने ही कवानीन को समझ नहीं सकती, तो ये कहना कि उनको आईन की लिटरेसी होनी चाहिए या आईन में जो बुनियादी हकूक़ हैं उनकी आगाही होनी चाहिए, मेरे ख़्याल से आप उनको एक बहुत मुश्किल और बहुत एक नामुमकिन काम दे रहे हैं। उनको वो मौका नहीं फराहम हुआ कि वो किसी आलीशान प्राइवेट स्कूल में कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स पढ़ सकें। तो जो रसाई है वो बहुत ज़्यादा अहम है। जो तीसरी चीज़ है वो है ख़ानदानी मनसूबा बंदी, और ये अब लेफ़्ट राइट पूरे अक्रॉस द स्पेक्ट्रम ही जा रहे हैं, लेकिन हमारे एक वफाकी वज़ीर सेहत हैं, उन्होंने अभी बात की पॉपुलेशन प्लानिंग की, ये और बात है कि जो उनके अपने क्रेडेंशियल्स हैं, अगर आप एक GIT रिपोर्ट है वो पढ़ें तो उसका सेहत से कम ताल्लुक है और गैंग्स एट लोखंडवाला का ज़्यादा लग रहा होता है कि उस फिल्म स्क्रिप्ट के मुताबिक है, लेकिन चलें ये अच्छी बात है कि उन्होंने उसका ज़िक्र कर दिया और कहा कि रियासती तरजीहात में ख़ानदानी मनसूबा बंदी बहुत ज़्यादा अहम है। हम अगर सुबह से शाम भी शुरू हो जाएँ कि पाकिस्तान के कितने ज़्यादा मसाइल हैं, पाकिस्तान एट 100 में जब तक आपके वसाइल महदूद हैं आपकी बढ़ती हुई आबादी के नस्बत, तो कुछ भी किया नहीं जा सकता, कोई हल नहीं है, कोई असलाहत आपको नहीं बचा सकते अनटिल एंड अनलेस यू गो टूवर्ड्स सम मॉडिकम ऑफ पॉपुलेशन प्लानिंग। अगले 30 साल की प्रोजेक्शन है कि पाँच दुनिया के तमाम ममालिक में आप पहले नंबर 5 पे जाएंगे और फिर नंबर 4 पे जाएंगे, और फिर 30 साल आपकी लड़ाई होगी नाइजीरिया के साथ, हु विल बी द 4th मोस्ट पॉपुलस कंट्री, वी डोंट हैव द रिसोर्सेज। फिर जी आखिर में ये कहना चाहूँगा, ये दोनों चीज़ें साथ जुड़ी हुई हैं, वो ये है कि कोई ऐसा मुल्क, बेशक आपकी एक कलोनियल मिरास है और बेशक लोगों के आपस में जो उनके बुनियादी हकूक थे आपने वो इन्फोर्स करने थे, लेकिन जब आपका एक सब नेशनल सूबा होगा जिसमें 110 मिलियन पीपल आर, तो इंतज़ामिया तौर पे या किसी भी इंतज़ाम के तौर पे आप उस पर कोई ख़ास उसको अगले कदम तक नहीं ले जा सकते जब तक आप सूबों को नहीं तोड़ेंगे। और इस पर मुख्तलिफ़ तासुरात हैं, शायद खकान अब्बासी साहब ने कोई और बात की, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने और बात की, लेकिन दोनों ने ऑफ़ द रिकॉर्ड और शायद अपनी सियासी जमात के मंशूर से हट के ये कहा कि आप बेशक डिविजन्स को सूबों में तब्दील कर दें, लेकिन चाहे जो भी आप करें, अगर आपने उसको एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे करना है, लसानी तौर पे करना है, वो भी बात के सवालात हैं,
लेकिन इस चीज़ पे एक यकजहती होनी चाहिए कि चार सूबों का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जहाँ 11 करोड़ की आवाम एक तरफ है, वो कुछ करोड़ की आवाम एक तरफ है, उसको आप मैनेज नहीं कर सकते। बिल्कुल आखिर में सर, 1985 के इंतखाबात की बात से एक लेगेसी चलती आ रही है कि हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको कौमी असम्बली के सतह पे गटर खोदने चाहिए, छत बनानी चाहिए, आपके दामाद को SNGPL में लगाना चाहिए, ये MNA के की जिम्मेदारियों में नहीं आना चाहिए। और क्योंकि आपने सियासी जमात के मंशूर से हट के कहा कि जी जो इलाके का सबसे बड़ा चौधरी है उसको वोट देना चाहिए, तो सियासी जमातों का कल्चर भी ख़त्म हो गया, सियासी मंशूर का कल्चर ख़त्म हो गया, और जो आम शहरी है जो उसका एक मुकद्दस रिश्ता है आइन के साथ और रियासत के साथ, आप उसको भी बिल्कुल नीचे ले आए। तो इलाकाई हुकूमतों को आप ज़रा तरजीह देना शुरू कर दें, जो आपके मेट्रोपॉलिटन लेवल पे है, काउंसलर लेवल पे है, उसको आपने फाल करना है, उसमें इस्लाहात करने हैं। तो लॉन्ग आंसर टू योर शॉर्ट क्वेश्चन, बट लैंड रिफॉर्म, पॉपुलेशन प्लानिंग, लोकल गवर्नमेंट्स, जुडिशल रिफॉर्म जिसमें उर्दू की ज़बान को आपको तरजीह देनी होगी, आप जब तक इन बुनियादी इकदाम पर कुछ ना कुछ अमल नहीं करेंगे, पाकिस्तान एट 100 विल बी पाकिस्तान एट 75। और अफसोस से कहना होता है, इसमें मीडिया की भी जिम्मेदारी है कि एक शऊर है, एक आगाही है, और 2007 के बाद से मीडिया का इसमें बहुत अहम किरदार रहा है और बहुत मुस्बत किरदार रहा है। लेकिन मीडिया साइकिल सिर्फ और सिर्फ एक सियासी जमात के सरबरा के बयान तक महदूद नहीं होनी चाहिए, एक कोर कमांडर फलां पोस्ट हो गया, कहीं और पोस्ट हो गया, उस तक महदूद नहीं होनी चाहिए। बात जो बिग टिकट इस्लाहात की अशद ज़रूरत है उस पर बात करनी चाहिए। दैट्स व्हाट आई थिंक। थैंक यू असद, बहुत इंपॉर्टेंट बातें की, मेरा ख्याल है इस पर हम आएंगे, बहुत लोकल गवर्नमेंट पे भी, और ये जो आपने कॉलोनियल पोस्ट कॉलोनियल रियासत की बात की। सर आपसे बात, सवाल तो वही है बुनियादी तौर पे जो इन प्रॉब्लम स्टेटमेंट का, मगर आपकी दो जो असद ने आखिरी बात की वो मीडिया की, आपकी मीडिया की वाबस्तगी है, आपकी मीडिया की वाबस्तगी पाकिस्तान में भी रही, लेकिन अब यू हैव अ ग्लोबल लेंस ऑन दिस। और दूसरी जो बात, जब हम पाकिस्तान एट 100 की बात करते हैं, तो जो आज बच्चा पैदा होगा जब वो 25 साल का होगा, जब पाकिस्तान एट 100 होगा, जो हॉल में स्टूडेंट होंगे अब अभी, अगर कोई 20 साल का है तो वो 45 साल का होगा, यही लोग लीडरशिप पोजीशंस में होंगे। तो एक जो हमें अब एक टेंशन नज़र आती है पाकिस्तान में और पाकिस्तान जैसे बहुत से और ममालिक में, कि ये जो हम जिस ग्लोबलाइज दुनिया में रहते हैं, जहाँ पर जिस तरह इंफॉर्मेशन कंज्यूम की जाती है, प्रोड्यूस की जाती है, वो अब ट्रूली ग्लोबल है, और पाकिस्तान के लिए भी ट्रू है, इंटरनेट पेनिट्रेशन के नंबर्स, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के नंबर्स, और साथ साथ ये डिसल्यूजनमेंट हमने इंडिया में भी कई जगह पे हम ये देखते हैं कि जहाँ आप ग्लोबल, यानी कि आप साइलो में नहीं रहते, आप वो इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं, आपको वो अवेयरनेस है, चाहे आप जोब में रहते हैं या आप जो है टंडोला यार में रहते हैं, जो आपको लंदन, न्यूयॉर्क या आप कसूर में रहते हैं, मगर आपकी डिसल्यूजनमेंट उसके दो साइड्स हैं। एक तो यू देयर इज एन इन्फॉर्म्ड पॉपुलेशन, बट दैट इज़ द पॉपुलेशन नाउ विच इज़ ग्रोइंग मोर एंड मोर डिसल्यूजन, क्योंकि तब आपको वो डिप्रीवेशन जो है, जो लइए की डिप्रीवेशन है, वो ज़्यादा लगती है, जो असद जिस एलीट कैप्चर की बात कर रहे थे। सो देर इज़ अ हाउ डू यू सी दैट, बिकॉज देर इज़ नाउ वी आर इन अ स्टेट वेयर इंफॉर्मेशन इज़ बींग कंज्यूम्ड, वेयर द स्टेट इज़ नो लॉन्गर द गेट कीपर ऑफ इंफॉर्मेशन, मीडिया पर जो रियासत का कंट्रोल था पूरी दुनिया में, अब वो नहीं है। लोग जो हैं, हर आदमी जर्नलिस्ट है, हर आदमी न्यूज़ का कंज्यूमर है। तो जब हम बात करते हैं जो लोग, जो यंग लोग जो इस एनवायरनमेंट में बड़े होंगे, जिनको दुनिया की अवेयरनेस हम लोगों से ज़्यादा है और हमारी हमसे एक जनरेशन ऊपर से ज़्यादा थी, तो हाउ डू यू थिंक दैट वुड वर्क आउट? बिकॉज इससे एक चीज़ तो ऑफकोर्स इट्स अनडाउटेडली अ गुड थिंग, मगर एक हम देख रहे हैं जो एंगर
against the both the state, against the what we call the elite capture, bar bar ki ji elite capture hai, how would that interact in your opinion and your experience? Thank you so much. Those are a lot of questions, so I'm going to try to answer some of them. I do want to say, jab main 2047 ka sochti hu, to sabse pehle main ye sochti hu ki meri beti 35 years ki hogi 2047 mein. So as a parent, as a journalist, that's what I'm thinking about. Mera ek personal connection hai 2047 ke saath. I'm invested in it. And I think hum jo problem dekhte hain elite capture ka ya hum dekhte hain disillusionment ka, it's sort of like ki hamara jo ek lens ek Pakistan mein ban gaya na, we're so involved in the contemporary problems, aaj ke problems, ki hum aage ka soch hi nahi sakte. So I would encourage anyone, agar aap ek parent hain ya aap education field mein kaam karte hain, to jab aap 2047 ka soche, to aap aaj ke jo bacche 10 saal ke hain, aap unko dekhein aur sochein, these are the problems they're going to have to deal with 2047. I don't want to talk about politics. Unhone bataya ki main locally bhi journalism mein kaam karti thi. I was a part of the beginning electronic media push. I joined journalism in 2005 with Jio. So I agree with a lot of the things that you say about jis tarah hamari media ka direction gaya. Ab main kyunki international lens se Pakistan ko dekhti hu, to meri coverage pichle 6 hafton se has only been about floods. Maine koi politics, कोई अपॉइंटमेंट की न्यूज़ पे फोकस नहीं किया, बिकॉज पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर अभी फ्लड्स हैं. हमारी 22 मिलियन पॉपुलेशन को अर्जेंट केयर की ज़रूरत है. 22 मिलियन, दैट्स 10% ऑफ आवर पॉपुलेशन. एवरी 10th पर्सन इमेजिन इन दिस रूम नीड्स अर्जेंट केयर. कैन यू इमेजिन दैट? जब मैं सिंध गई थी द लास्ट फ्यू टाइम्स, व्हाट आई सॉ वाज़न्ट डिसिल्यूजनमेंट. Sarup, with the most marginalized Pakistanis, jinke paas kuch bhi nahi hai, they have a lot of expression. Wo unke paas ek zuban aa gayi hai, and a lot of it has to do with TikTok. Everyone is connected. So you know, jis tarah hum mainstream media ke saath bahut upset hote hain ki unhone narrative aur agenda bahut zyada elite capture aur politics ki taraf kar di hai, dusre side pe TikTok ne democratize kar diya media. एक इंडिविजुअल बंदा जिसको शायद हैशटैग के अलावा टाइप नहीं करना आता, उसके पास 100,000 फॉलोअर्स हो सकते हैं टिकटॉक पे, और वो अपने विलेज या शहर का ख़ुद कहानी बता रहे होते हैं. उनके पास एक नैरेटिव आ गया बताने का. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है एक इंडिविजुअल के पास आ जाए सोचने का, क्योंकि अगर हम क्रिएटिवली अपने सिचुएशन के बारे में सोचें, अपने आइडेंटिटी के बारे में सोचें, अपने शनाख्त के बारे में सोचें, तो फिर जो बड़े बड़े बिग प्रॉब्लम्स हैं, हम उनको कनेक्ट करने लग जाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, फ्लड्स में हम देखते हैं कि हमारी जो कॉटन क्रॉप है वो तबाह हो गई है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि हमारे सबसे बड़े टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स, जो दुनिया में उनका इतना बड़ा नाम है डेनिम का, they're not so affected by it. And ये मुझे इतना ये shocking लगता है ना, क्योंकि उनको पता है कि जो cotton pickers हैं, जो cotton उठा रहे हैं, उनको उनसे बहुत सस्ता cotton मिलता है, क्योंकि जो cotton pick कर रहे हैं ना हमारे पाकिस्तानी, उनको कोई पैसे नहीं मिलते. जो ज़मींदार हैं वो उनको कहते हैं ये तुम्हारी ज़मीन है, तुमने अगर अपने लिए खाने के लिए कुछ उगाना है उगा लो, और बस तुम cotton pick कर लो. वो cotton pick होके जाता है एक फैक्ट्री में, और फिर वो डेनिम जीन्स बन जाते हैं सबसे बड़े पाकिस्तान से बड़े बड़े इदारों में जा रहा है, लीवाइज, H&M, बिग बिग कंपनीज. बट दे डोंट केयर अबाउट जो कॉटन पिकर्स हैं. एज फार एज देयर इज कंसर्नड, अगर यहाँ पे कॉटन डूब गया है, तो वो कैम्बोडिया या वियतनाम से सस्ता कॉटन ले सकते हैं. दैट्स द प्रॉब्लम, दैट्स द प्रॉब्लम. सो हम एक बहुत ही डिसकनेक्ट हो गए हैं अपने ही लोगों से, अपनी ही ज़मीन से, जो हमारा इंडस रिवर है, जो हमारे ग्लेशियर्स हैं. पाकिस्तान हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ ग्लेशियर्स इन द वर्ल्ड. यू नो, जब भी हम बच्चों को पाकिस्तान डे क्लास 1 क्लास 2 में पढ़ाते हैं, मुझे समझ नहीं आती उनके चार्ट पेपर्स में ये क्यों नहीं लिखा होता. ये इतनी बड़ी बात है, एंड दिस विल डिटर्मिन आवर फ्यूचर, बिकॉज दुनिया गर्म होती जा रही है और वो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं और हम इम्पैक्ट हो रहे हैं. और जो हमारे सबसे गरीब फार्मर्स हैं, वो इम्पैक्ट हो रहे हैं. हम डैम्स बनाए जा रहे हैं, वर्ल्ड बैंक से पैसे लिए जा रहे हैं, और
वो फ्लड्स को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और जो इंडस रिवर के करीब रहते हैं वही इम्पैक्ट होंगे. सो दोज आर द थिंग्स दैट इज डिप्रेसिंग फॉर मी एंड सैड. एंड असल ऑनेस्टली जब आप बात कर रहे थे ना प्रॉब्लम्स की, तो मैं इतनी ओवरवेलम हो रही थी, कि इट्स लाइक हाउ कैन यू इवन थिंक अबाउट द फ्यूचर जब हम इस तरह लेयर करके प्रॉब्लम्स की बात करें. सो आई लाइक टू थिंक व्हेन आई 2047 का सोचती हूँ, मैं सोचने की कोशिश करती हूँ कि हमारे व्हाट इज़ वर्किंग फॉर अस. आई थिंक व्हाट्स वर्किंग फॉर अस इज़ दैट वी आर एन इनक्रेडिबली क्रिएटिव पीपल. बहुत क्रिएटिविटी है हमें. अगर हम किसी तरह उस क्रिएटिविटी को टूल्स दे सकें एट द लोएस्ट लेवल, अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर सकें, क्योंकि अभी जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, एक मैं स्कूल में गई थी फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ में, डूबा हुआ था स्कूल, लेकिन वो इतने डेडिकेटेड टीचर्स थे मीरपुर खास में, उन्होंने स्कूल बंद नहीं किया था. उन्होंने सीनियर स्कूल डूबा हुआ था, उन्होंने प्राइमरी स्कूल में सारे बच्चों को डाल दिया. तो फिर मैंने प्रिंसिपल से बात की, टीचर से बात की, मैं उनसे बहुत इम्प्रेस हुई उनकी डेडिकेशन से. दे डिड नॉट लेट द फ्लड स्टॉप द एजुकेशन. उन्होंने कहा इन सब पे ज़हनी असर बहुत हुआ है फ्लड्स का, तो उस पर भी हम काम कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं. तो आई वॉज़ वेरी इम्प्रेस्ड. बट वन आई आस्क टू स्पीक टू स्टूडेंट्स, उन्होंने अपने प्रीफेक्ट्स कहा कि आप इनसे बात करें. अब जब मैं प्रीफेक्ट से बात कर रही थी, उन्होंने जो नॉमिनेट किए थे लोग, वो खुल के नहीं बात कर रहे थे. वो बातें कर रहे थे कि आप हमें फेवरेट सब्जेक्ट का पूछें, हमें फेवरेट टीचर का पूछें, हमें और चीज़ों का ना पूछें. सो इट सीम लाइक इन दैट स्कूल जिसमें वो अच्छा करना चाह रहे हैं, जो बच्चे कन्फर्म करते हैं, जो अग्री करते हैं, जो ईजी हैं, उनको वो पावर रोल्स दे रहे थे उस स्कूल में. सो वी रियली नीड टू गेट आउट ऑफ दैट, बिकॉज क्रिएटिविटी को अगर हमने मेन स्ट्रीम करना है और अगर हमने अपने आगे जाना है, वी हैव टू इंकरेज हमारे बच्चे हैं ना कि वो लाइन से बाहर ड्रॉ करें, फिर वो क्रिएटिव सॉल्यूशंस ला पाएंगे. थैंक यू. थैंक यू सर. आई थिंक ऑल ऑफ दिस इज वेरी पावरफुल. वन थिंग इन पर्टिकुलर उमेर, व्हेन आई मूव टू यू, जो इन्होंने एग्जांपल दी फ्लड्स की, कि हमारी एलीट जो है, मैंने पहले जैसे पहले कहा था हर रियासत का एलीट कैप्चर होता है, बार बार एलीट कैप्चर की बात करते हैं, लेकिन उनका जो लेवल ऑफ इंसुलेशन है अब टू अ नेचुरल डिजास्टर, फॉर एग्जांपल टू नॉट ओनली द पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, नॉट ओनली टू इन्फ्लेशन, यानी कि पाकिस्तान के एलीट का मसला. अब एक मिसाल आप ये देख लें कि यू नो लोगों, आपके पास यहाँ की जो एलीट है, उसको हो सकता है कि हम में से कुछ लोग भी उसमें शामिल हों, कि उसकी घर की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उसकी अपनी है. अब उसके घर में सोलर पैनल है, स्कूल प्राइवेट है, हस्पताल प्राइवेट है. सबसे स्ट्राइकिंग एग्जांपल लाहौर या दिल्ली की तो ये है कि अब वो जो बात थी कि कम अज़ कम ये एक हवा में ज़िंदा रहते हैं, वो भी नहीं है. क्योंकि किसी के घर में एयर प्योरीफायर है, किसी के घर में नहीं है स्मॉग की. तो ये जो इंसुलेशन है, ज़ाहिर है सारी रियासतों में, ये बात मैंने शुरू में कही है, एलीट की एक इंसुलेशन होती है, मगर एलीट की इंसुलेशन हम एक और तरह भी देख रहे हैं. जो मैंने अपने इब्तदाई में रिमार्क्स में आपकी बात पे कही थी कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अब ये जो बात थी जो कि जो कम अज़ कम रियासत का जो मुआहदा था कि वो बिजली देगी, पानी देगी, तहफ़ देगी, चले वो तो कोई रियासत उसमें कामयाब रही, नाकाम रही, बहुत सी रियासतें कामयाब नाकाम रहती हैं उसमें, मगर रियासत ये देती है, स्टेक देती है आपको ना सिटीज़नशिप में, कि आपके आपसे वोट मांगा जाएगा. अब आपसे पिछले, मैंने कहा 2013 या 18 या हम जो देख रहे हैं, तो ये जो हमारी सियासत थी जिसमें किसी ज़माने में अच्छी बुली एक दाएं बाएं बाजू की कोई तफरीक थी, वो ख़त्म हो गई. अब आपका जो इंसुलेशन है, नॉट ओनली इन योर पर्सनल लाइफ, ये नहीं है कि जो अलीट हैं वो अलग दुनिया में रहते हैं, वो तो बहुत से मुल्कों में रहते हैं, हमारे जैसे ममालिक में बहुत अलग दुनिया में रहते हैं. मैंने कहा जिस तरह आपकी हवा भी सेम नहीं है, आप रहते भी सेम जगह पर नहीं है, मगर आपने जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, जहाँ पर पॉलिसी बनती है उसको जस्टिफाई करना. कल यहाँ पर कोई बात हो रही थी कि अगर कोई आज शख्स एक पार्टी बदल के दूसरी में जाना चाहे, तो वो अब वो वक्त भी नहीं रहा कि वो कहे कि मैंने अपने ख्यालात तब्दील कर लें. वो ये कहेगा कि मैं उमेर जावेद को जान गया हूँ और ये अच्छा आदमी नहीं है.
वो ये नहीं कहेगा कि मैंने मेरे ख्यालात तब्दील हो गए हैं और मैं पहले समझता था कि फलां पार्टी अच्छी थी और अब मैं समझता हूँ फलां पार्टी अच्छी है। तो ये जो हम एक नॉन आइडियोलॉजिकल अब ये जो एलीट गेम हो गई है जिसमें हम कंप्लीट इंसुलेशन हो गई है, यानी कि ये सियासत की भी जो डिसकनेक्ट है, साहब जो बात कर रही थी कि उन लोगों के पास लैंग्वेज है, बिल्कुल है सोशल लेवल की, लेकिन पॉलिटिकल लेवल पर अब मेरा ख्याल है कि ये अगर आप इस पे बात करें कि क्या ये अनप्रेसिडेंटेड है, पहली बात कि ये डायग्नोसिस दुरुस्त है कि नहीं है, कि अब हम जिस मरले पे हैं, असद ने 1985 के इलेक्शन की बात की थी, वहाँ से जो सिलसिला शुरू हुआ, मगर अब हम जिस लम्हे पे हैं वहाँ पर, जैसे मैंने कहा कि अगर आप मैनिफेस्टोज देखें तो अब वो जो बात थी कि वादा पूरा किया या नहीं किया वो तो एक अलग बात है, किसी ने गरीब से वादा ही किया ही नहीं, मतलब यू आर द एक्सपर्ट ऑन दिस बट आई स्टॉप हियर। थैंक यू स्वरूप। आई थिंक दो बातें हैं जो मैं लिंक करना चाहूँगा जो असद और साहर दोनों ने की। असद ने एक बहुत डिज़ायरेबल विश लिस्ट है मेरे ख्याल से जो प्रेजेंट की कि अगर ये 5-6 चीज़ें हो जाएं तो पाकिस्तान एट 100 विल लुक फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम पाकिस्तान एट 75। सहार ने प्रेजेंट में जो हमारा एक बहुत बड़ा मसला फ्लड्स का था उससे जो निकलते हुए और मसले हैं, डिसिल्यूजनमेंट है, लोगों का गुस्सा है कि उनकी इमदाद के लिए जो है वो ना रियासत ने कुछ किया ना अवाम ने कुछ बहुत कुछ किया, ये दोनों मसले यानी कि ये दोनों इश्यूज़ जो हैं दे गो बैक टू द इशू ऑफ पॉलिटिक्स, यानी कि जो हमें इस्लाहात की ज़रूरत है पाकिस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के लिए वो भी सियासत से ही निकलेगी, और जो पाकिस्तान के इस वक्त के मसाइल हैं जिसमें फ्लड्स है, क्लाइमेट चेंज है, एजुकेशन है, ये भी आपकी सियासत पे ही मबनी है, दिस इज़ गोइंग टू बिकम अ सॉर्ट ऑफ एन आउटकम ऑफ पॉलिटिक्स। तो मैं मैं बहुत इस वक्त पेसिमिस्टिक बात नहीं करना चाहता, लेकिन आपने जो बात की कि हमारी सियासत बिल्कुल इंसुलेट हो चुकी भी है फ्रॉम एनी एक्चुअल रिलेशनशिप विद सिटीजन, वो बात काफ़ी हद तक दुरुस्त है, और ये भी बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान की सियासत इस वक्त जो करंट क्लाइमेट है उसमें फंडामेंटली ब्रोकन है, यानी कि हमें इस वक्त पॉलिटिकल रेजोल्यूशन जो है मसलों का वो हमें नज़र नहीं आ रहा, हमें कुछ बहुत क्लियर कट आगे पाथवे नहीं नज़र आ रहा। ये वो बातें जिनसे हमें वाकई में थोड़ा इसके ऊपर हमें सोचने की ज़रूरत है, और ये अनप्रेसिडेंटेड भी हैं, ये हम उस तरह नहीं कह सकते कि क्योंकि पहले भी पाकिस्तान में ऐसे होता रहा है तो ये दोबारा भी ऐसे ही चलता रहेगा, ये इस वक्त हमें इस पर बहुत सीरियसली गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है कि ये मामला आगे ऐसे शायद ना चल सके। तो एक तो ये इशू है कि हमारी पॉलिटिक्स उसमें हमारी डिसीजन मेकर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ की क्यादत है, मिलिट्री की क्यादत है, इन सबको ये यानी कि हम तो सिर्फ एक इल्तजाई कर सकते हैं कि इस पर सोचने की ज़रूरत है कि ये मसला जो है वो ठीक हो। दूसरी चीज़ जो है वो ये कि अगर आप पिछले 25 साल का पीरियड देखें कि उसमें क्या क्या तब्दीलियाँ आई हैं और पेस ऑफ चेंज क्या है, और आप इसको प्रोजेक्ट करें कि अगले 25 साल में क्या होगा, ये एक बहुत बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है जिस पे हमें थोड़ी सी यानी कि अगेन हमें इस पे अटेंशन पे करने की ज़रूरत है। तो मैं आपको कुछ इसमें दो तीन स्टेटिस्टिक्स हैं जो मैं कोट करना इसमें चाहूँगा कि आज से 25 साल पहले 20 से 34 की एज के दरमियान जो हमारी पॉपुलेशन का सेगमेंट है उसमें तकरीबन 5% अवाम के पास एक बैचलर्स या बैचलर्स की डिग्री से ऊपर थी। अब यही फिगर जो है वो तकरीबन 13% या 14% है, यानी कि ये डबल से थोड़ा ज़्यादा हो गया है 25 ईयर्स में, और इसका जो रेट ऑफ चेंज है वो आगे बढ़ता जाएगा। तो पाकिस्तान एट 100 में यही फिगर जो है मोस्ट लाइकली 30% होगा, 35% होगा। अच्छा, एक मुझे जो बहुत ही फैसिनेटिंग बात लगती है वो है कि लोगों के पास इंफॉर्मेशन की सोर्स क्या है। 1998 में, यानी कि अगेन दिस इज नॉट मोर देन यू नो 25 or so years ago, 1998 में तकरीबन 10% ऐसे घराने थे पूरे मुल्क में जो अपनी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो थी उनकी टेलीविज़न थी, ठीक है। अब ये फिगर जो है वो है 67%, यानी कि 67% ऑफ ऑल हाउसहोल्ड्स इन पाकिस्तान रिसीव देयर इंफॉर्मेशन फ्रॉम टेलीविज़न, और इसमें प्राइवेट चैनल्स की एक ऑब्वियसली बहुत बड़ी तादाद है। लेकिन जो सबसे माइंड ब्लोइंग स्टेटिस्टिक है वो ये है कि 98 में 0% ऑफ द पॉपुलेशन वॉज रिलाइंग ऑन सेलफोन्स फॉर सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, और अब ये फिगर 98% है। ये सिर्फ 25 साल के अंदर हुआ है,
दिस इज अ चेंज दैट हैज हैपेंड इन 25 years. ठीक है, तो आपकी पॉलिटिक्स में शायद पिछले 25 साल में इतनी बड़ी तब्दीली नहीं आई, बल्कि मैं कहूँगा 25 साल क्या, शायद हो सकता है पिछले 50 साल में इतनी बड़ी तब्दीली नहीं है. असद ने 85 का हवाला दिया, मेरे ख्याल से 85 के एक कंटिन्यूस सिलसिले में ही हम किसी ना किसी फॉर्म में चल रहे हैं. अब आप मुझे ये बताएं कि जहाँ अवाम आपकी इतनी तब्दील हो गई है, जहाँ माशरा इतना तब्दील हो गया है, लेकिन सियासत जो है वो इस माशरे की तब्दीली को ना समझती है, ना वो इसके साथ इन सिंक है, ना वो इन स्टेप चल रही है, तो आगे जो है वो तो फिर इंसान को लगता है ना कि इसमें बहुत और मसाइल जो हैं वो खड़े हो सकते हैं. सो आई थिंक शायद क्योंकि मैं सियासत यानी पॉलिटिक्स और सोशियोलॉजी पढ़ाता हूँ तो मेरा एक बायस व्यू हो सकता है, बट आई थिंक एक फंडामेंटल इशू जो है वो पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग का है, जिस पे हमारी जो सियासी क़्यादत है, अस्करी क़्यादत है, जो भी डिसीजन मेकर्स हैं, मुझे उनकी यानी कि जो इस वक्त करंट जो आपको सिचुएशन नज़र आ रही है उसे मुझे देख के लगता नहीं है कि लोग अवेयर हैं कि मामला जो है वो कितना संगीन है या कितना सीरियस है. लेकिन माशरा बहुत तब्दील हो गया है और माशरे में, और मैं आप मेरे पास इस तरह के बहुत से ज़्यादा शुमार हैं जिससे मैं आपको साइट करके बता सकता हूँ कि सोसाइटी वो नहीं है जो 47 में थी या जो 71 में थी या 85 में थी. सोसाइटी बहुत ट्रांसफॉर्म कर गई है और इसके आउटकम्स जो हैं वो हमें अपने पॉलिटिकल सिस्टम में देखने को नहीं मिलते, और ये मेरे ख्याल से एक सबसे बड़ा शायद चैलेंज जो है अगले 25 साल का पाकिस्तान को ये है. थैंक यू. आई थिंक ये बहुत अहम बातें हैं. मैं तो कम्प्लीटली कम्प्लीट एग्रीमेंट विद यू. असद, आप ज़ाहिर है वकील भी हैं, कानूनी मामलात पर जो है वैसे भी पाकिस्तान के मैं तो बहुत बड़ा एडमायरर हूँ असद की राइटिंग का. असद को पता है वन ऑफ द फाइनेस्ट राइटर्स दैट वी हैव, और बहुत बेलाग तबसरा करते हैं. तो आपसे जो पाकिस्तान का कानूनी निज़ाम है, जो मैंने इस पे बात की आप, क्योंकि आपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात की, उसमें एक मसला जो कि हमें इंक्रीजिंगली ज़्यादा नज़र आ रहा है मेरी नज़र में, कि पाकिस्तान की जो निज़ाम अदल था, ख़ासतौर पे जो अदलिया के साथ जो मसाइल थे, कभी देर इज़ नो फ्यूनरल टू बी डन ऑफ अ ग्लोरियस पास्ट. वो तो ऐसी कोई मौका था ही नहीं कि हम याद करें कि वो बहुत अच्छी अदलिया थी और अब ऐसी हो गई. मगर एक चीज़ में शायद फ़र्क आ रहा है, वो ये है कि जो प्रसप्शन है, अदालतें इंटरवीन करती हैं, दुनिया में भी करती हैं, मगर जो पार्टीजानशिप जो शायद जो ये शायद माशरे की अकासी है, मगर जो अदालतों का प्रसप्शन है, जो ये था कि चले उनके बारे में जो लोगों की जो भी राय थी, पर डिसीजंस देयर वाज अ फाइनैलिटी, देयर वाज अ स्टेबिलिटी टू दिस, के जो भी दौर है अदालतों का एक रूल्स ऑफ गेम सेट थे. हमें वो लगता है कि शायद पिछले 20 सालों में शायद 2007-08 के बाद से शायद एक एक्सेलरेटेड पेस पे, जब से हमने अदलिया जो है वो एक पॉलिटिकल स्टेक होल्डर बना है, और मैं किसी ये आई मीन आई एम वेरी केयरफुल किसे कि ये किसी आज की अदलिया या कल की बात नहीं हो रही. इन शॉर्ट हमारी अदलिया का एक रोल था, वो ये था कि जब पावर स्ट्रगल ख़त्म हो जाती थी तो जो विक्टर होता था उस पावर स्ट्रगल का, उसको वैलिडेट करने का, जो जीत जाता था उसको वैलिडेट करने का एक रोल था. 2007-08 के बाद से हमने देखा कि वो रोल अब पहले का भी है. सो दे आर अ प्लेयर इन दिस, अ स्टेक होल्डर, मैं आई केयरफुली इन दिस. एंड व्हाट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट इज, जो हम बात बात सुनते हैं कि पता नहीं 150वें नंबर पे है, कि पता नहीं जिस नंबर पे है, आई डोंट, मुझे नहीं पता उसकी क्या मेथोडोलॉजी है, बट जो प्रसेप्शन है ऑफ द कोर्ट्स, ऑफ द सिस्टम, द रूल ऑफ लॉ, विच इज ऑलमोस्ट एज इम्पॉर्टेंट एज एक्चुअल रूल ऑफ लॉ. रूल ऑफ लॉ कहाँ पे क्या है वो तो वो मेरा ख्याल है कि अब एक ऐसे पॉइंट पे है जो कि हमने बहुत कम देखा है. यानी कि अब जो अदलिया के फैसलों के बारे में या ऑनरेबल जज साहिबान के बारे में जो लोगों की राय है, एंड डू दैट टू मी लुक्स वेरी डेंजरस regardless of one's political views. And how do you think that resolving itself? So how do we reform the judiciary? How does the judiciary reform itself? Would they allow anyone else to do it? Or would they be forced to be reformed against their wishes at some point?
स्वरूप साहब ने बहुत अच्छा और बहुत मुश्किल सवाल पूछा है, और उसके जो जवाब के साथ शायद माजी के तर्क तजर्बे भी जुड़े हुए हैं इसको, लेकिन मैं प्रीफेस करूँगा एज समबडी हु यूज़ टू बी 23-24 पहले, तो एक्सप्रेस ट्रिब्यून के कॉलम में स्वरूप एजाज साहब एक नाम के अंडर हम पढ़ा करते थे ऐसी चीज़ें, और मैं सिर्फ अपना बता रहा हूँ सर तजर्बा, कि उसमें जिस बेबाकी से कुछ ऐसे अशखास के मुतालिक बात की गई या लिखा गया, बाकी सब थोड़ा सा चलें, बट सो बैक टू द सेम क्वेश्चन। एक साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे जिन्होंने सर्वे किया जब वो चीफ जस्टिस के ओहदे पर फायज थे, कि आपका एवरेज केस जब ऐवान अदल में इंस्टीट्यूट होता है और ऊपर जाते जाते अदालत उज़्मा में खारिज होता है या डिस्पोज ऑफ होता है, उसकी मुद्दत कितनी होती है? तो मुद्दत थी 25 साल, ये आपका एक एवरेज केस है। तो ये कहना कि जी हमें इस्लाहात की ज़रूरत है, आप अगर किसी से भी पूछ लें वो सब घूम फिर के यही कहते हैं कि बुनियादी मसला आपका डिले है। और ये स्वरूप साहब की दूसरी बात से जुड़ी हुई है, और बल्कि इन अ डिफरेंट सेंस सहार और उमेर की बात से भी जुड़ी हुई है। आप अदलिया का तब एहतराम करते हैं जब आपको ये तवक्को हो कि उसका जो फैसला है वो हतमी है, उसके एक इंसाफ की तो है ही तवक्को, लेकिन ये कि जी एक फाइनैलिटी है, एक हरफ आखिर है, और इससे आगे बढ़कर हमारी जो बाकी ज़िंदगी है हम उसको चला सकें। जब आप किसी आप एक्सटेन्यूएटिंग सर्कमस्टांस को देखें, एक मिसाल है सर, छोटी सी बहरिया टाउन केस है एक, उसको जो जब ख़बरों में आता है तो फिर थोड़ा सा लेफ्ट राइट होना शुरू हो जाता है, लेकिन चलें कोई बात नहीं। 2018 में जस्टिस एजाज अफजल ख़ान साहब बहैसियत जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उनका फ़ैसला है जिसमें उन्होंने कहा मार्च 2018 में कि जो बहरिया टाउन ने कराची में किया, तख्तपरी में किया और इस्लामाबाद में किया, वो एक लैंड ग्रैब था, गैर कानूनी था, उसका मलिया डेवलपमेंट अथॉरिटी मुलव्वस थी, सिंध हुकूमत मुलव्वस थी, पंजाब हुकूमत मुलव्वस थी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये एक 3 जज साहिबान का सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसको आपने रिव्यू स्वरूप साहब जानते हैं, वो मेरो सहार भी जानते हैं, रिव्यू का जो दायरा होता है वो अपील के नस्बत बहुत ज़्यादा महदूद होता है। आप रिव्यू में जाके एक बुनियादी कानूनी सवाल को इस तरह उल्टा नहीं सकते। आपने कहा कि जी जो भी अलॉटी हैं उनके भी हक को प्रोटेक्ट करना है, बहरिया टाउन भी आया सरमायाकार है, तो वो किस्तों में इसी तरह करता जाए, और आपने इस तमाम ट्रांजैक्शन को जिसमें हर तरह के लोग राव अनवार जैसे लोग शामिल थे, आपने उसको लेजिटिमाइज कर दिया। जब इस तरह का फैसला पढ़ने को मिलता है तो आदमी मायूस होता है, क्योंकि जो आपने बात की एलीट कैप्चर की, अक्सर हम देखते हैं कि एलीट ही बाकी एलीट्स को कसूरवार ठहरा रही होती है, मुतवस्सित तबके और गरीब तबके की तो आवाज़ आप उसको काफ़ी हद तक आप उसे खामोश कर चुके हैं, लेकिन अदलिया को एक ज़रिया समझा जाता है। और यहाँ आई थिंक स्वरूप साहब और मेरी पहले भी डिस्कशन हो चुकी है और थोड़ा सा एक डाइवर्जेंस ऑफ ओपिनियन भी हुआ, कि जब कौमी अदारे आपके गैर फ़ाल हों तो अदलिया कोशिश करती है उस खला को पुर करने के लिए। कभी कभी नतायज बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं, रिको डिक का केस आपके सामने है, कभी कभी नतायज बहुत मुस्बत होते हैं। जो आपने 2 फैसले किए इसी साल, मैं समझता हूँ, एक जब आपने कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली इस तरह नहीं उस रेजोल्यूशन को मुस्तरद कर सकता था, बेशक आपका जो भी सियासी इंक्लिनेशन है वो अपनी तरफ, लेकिन आइन से वो हटके है, आप पार्लियामेंट को इस तरह बंद नहीं कर सकते। और जो हमने जुनेजो साहब के केस में एक सिलसिला देखा था कि आप ये कह सकते हैं कि जो हरकत थी वो गैर कानूनी थी, लेकिन अदलिया को बहाल नहीं किया जाएगा, आप उससे आगे बढ़ गए। और फिर दूसरी जानब आपने दूसरी सियासी जमात के हक में फैसला किया पंजाब असम्बली के हवाले से, तो दो मुख्त ये जो सारा एक डेप्यूटी स्पीकर का मजारी साहब का जो सारा इशू था, मुख्तलिफ नतायज तक आप पहुँचे, लेकिन उन दोनों नतायज में मैं समझता हूँ, मेरी ज़ाती राय है, आपने कानून और आइन के मुताबिक ही वो फैसले किए, जो कानून कह रहा था उसी के मुताबिक आपने किया, इससे आपकी कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस बिल्ड होती है। तो ये सर एक बात, जो इसके साथ जो थोड़ी सी जो बात जुड़ी हुई है वो ये है, आपको अपने एपेलेट फोरा हर हाल में कम करने होंगे। अदालत आलिया में बात ख़त्म हो जानी चाहिए, अदालत उज़्मा को सिर्फ वही केसेस टेकअप करने चाहिए जो कि इतने संजीदा आइनी सवाल से ताल्लुक़ रखते हैं
कि उसको टेकअप किया जाए, आम कत्ल का केस या आम लैंड डिस्प्यूट या आम सिविल मामला, उसको अदालत उज़्मा तक नहीं जाना चाहिए। और जो आखिरी चीज़ सर, ऐवान अदल जो आपका कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस है, उसमें केसेस की जो तमाम अक्सरियत है वो वहाँ मोस्टली वास्ट मेजॉरिटी ऑफ योर केसेस स्टार्ट एंड एंड इन द कोर्ट्स ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस। हम जब खबरें पढ़ते हैं तो उसमें हाई कोर्ट की सुर्खी होती है, अदालत उज़्मा की सुर्खी होती है, आपने उनको काफ़ी हद तक बेमददगार छोड़ा हुआ है, क्योंकि जो आपके जज साहिबान भी आते हैं उनका ताल्लुक होता है बार एसोसिएशन के साथ और वकला के साथ। जब तक आप ऐवान अदल को और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को और सिविल कोर्ट्स को उस सतह पे उसकी असलाहत नहीं करेंगे, उनके जज साहिबान को ऊपर नहीं लाएंगे, उनको इस निज़ाम में स्टेक नहीं देंगे, तो एक सर हमारे एक क्लाइंट थे, उन्होंने कहा कि जी मुझे ये ऐवान अदल नहीं लगता, ऐवान दलदल लगता है। ये तासुर गलत, इस तासुर को बेहतर करने की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू असद, जैसे मैंने कहा कि बहुत हमेशा ही बेबाक गुफ्तगु करते हैं, तो दैट बट सर आई मूव टू यू ऑन दिस, आई मीन ऑन द क्वेश्चन जो कि जो सारी गुफ्तगु में हो रही थी, जो उमैर जावेद साहब ने कहा कि जितना मुआशरा ट्रांसफॉर्म कर गया उतनी सियासत ट्रांसफॉर्म नहीं की, मीडिया की हद तक जब हम मीडिया का देखते हैं, हमने देखा आप क्योंकि आप जो पाकिस्तानी मीडिया का ख़ासतौर पे ये जो टेलीविज़न मीडिया था जो ये अपने इर्तकाई अमल में था, इब्तदाई अमल में था 2005 में, तो आप उससे मुंसलिक रहीं, तो जब हम देखते हैं कि क्या आप ये समझती हैं कि जो डिसकनेक्ट जो उमैर बात कर रहे थे कि बिटवीन पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, and now is there a disconnect between what we, there is a lot of talk ki about the death of print and it's been on for a long time, but now we are at that stage where people are saying that you know why would you watch a television channel, aapne bhi iska andiya diya usne, Umair Javed sahab ne bhi farmaya, to do sawal hai, pehla sawal to ye hai ki kya Pakistani media both print and broadcast has it been able to keep up with the transformation that has happened in society? If not, then going forward, when we talk about 2047, Pakistan at 100, how do you think see the media transforming, evolving? So I'll आपका जो गुड थैंक यू आपका जो पहला सवाल था, आई थिंक जहाँ तक मीडिया का ताल्लुक है, हैज़ इट बीन एबल टू रिफ्लेक्ट द चेंजेस इन सोसाइटी, आई थिंक व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज़ आवर मीडिया, जिस तरह हमारे सियासत में बहुत इंटरवेंशंस हुई हैं, हमारे मीडिया में भी बहुत इंटरवेंशंस हुई हैं, सो हमारा मीडिया उसकी वो नेचुरल ग्रोथ नहीं हो पाई अगर उसमें वो इंटरवेंशंस नहीं होते। From 1947 forward, media was the, you know, it was the first thing to be censored in many, many different ways and in very military regimes quite brutally as well. So hamara ek gap aa gaya. So ironically, ek military government mein hi hamari electronic media ko liberalize kiya. And wo 10 saal kafi, I would say, independent the. लेकिन उसके बाद काफ़ी चेंजेस आ गए, एंड आई थिंक जो मीडिया का रिएक्शन हुआ, क्योंकि हमारे जो मीडिया के ज़्यादातर लीडर्स हैं, दे स्टार्टेड देयर जर्नलिज्म इन अ टाइम जब सेंसरशिप बहुत थी 80s में, उनका एक थोड़ा सा एक एजेंडा या कह दें कोई थोड़ा सा ट्रॉमा बॉन्ड विद पॉलिटिक्स है पाकिस्तान में। सो मुझे याद है कि जब मैं टीवी न्यूज़ रूम में काम करती थी, मेरी पैदाइश 1981 की है, ठीक है, तो मैं टीवी रूम्स में जब मैंने काम शुरू किया 2005 में, हमारी मिलिट्री गवर्नमेंट थी, तो लेकिन हम ट्रांजिशन कर रहे थे, सो फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन दैट आई कवर्ड वाज 2008, तो मुझे समझ नहीं आती थी कि कुछ बहुत ग्लेरिंग discrepancies in our political parties, हम questions क्यों नहीं उठा रहे उन पर। इतना डर था कि हम इनको question नहीं कर सकते क्योंकि एक और बड़ा power है, तो let's just let them be. And I think fundamentally we made mistakes then,
because I look at 2008 and I look now and हमारे सारे डेमोक्रेटिक पार्टीज एक ही जैसे हैं. उनके पॉलिसी में क्या फ़र्क है, क्या इनोवेशन है, वो क्या लेजिस्लेशन लाते हैं. इट्स डिप्रेसिंग. दुनिया आगे चली गई. आप पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे. अगर हम दुनिया की पॉलिटिक्स देखें, इट्स वेरी स्केरी व्हाट कैन हैपन इन पाकिस्तान, बिकॉज दुनिया पोलराइज होती जा रही है. फार राइट मूवमेंट्स हर जगह इंक्रीज होते जा रहे हैं. हमारे नेबर इंडिया में मेन स्ट्रीम हो गया है हिंदुत्व, विच इज़ हिंदू सुप्रेमेसी. Rights of minorities taken away, rights of the majority is supreme. That is the biggest party there. The Congress party has no competition with BJP right now in India. So Pakistan ka bhi ye hal nahi hua. Maybe because of interventions. Sometimes we see these big mass movements of far right parties in Pakistan. They have a lot of people behind them, but then we also see, I'm speaking really openly right now, we also see PTM. They have just as big a crowd, and they don't believe in far-right ideology. They believe in rights of the individual. So I think jab tak hamari politics cannot be fair and open in the way that jo people's movements hain, वो फेयरली सेंटर में आ सकें और वो वोट्स के लिए कम्पीट कर सकें, तो वी आर नॉट रियली गोना सी आवर पॉलिटिक्स इवॉल्व. एंड द मीडिया रोल इन दैट एंड्स अप, एज आई सेड, बिकॉज जो हमारे मीडिया के लीडर्स हैं ज़्यादातर वो उनका एक बैकग्राउंड है. बट आई एम वेरी होपफुल. यू नो, अक्सर जो मेरे कॉलीग्स हैं मीडिया में, वो बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं हमारे सिटीज़न जर्नलिस्ट से, हमारे यूट्यूबर्स से, क्योंकि वो फैक्ट्स वेरीफाई नहीं करते या फिर फेक न्यूज़ भी स्प्रेड हो जाती है. बट आई थिंक ये जो एक पावर चली गई है ना नॉलेज प्रोडक्शन की, इंफॉर्मेशन स्प्रेड की टू इंडिविजुअल्स, अभी हम गलतियाँ करेंगे एंड इट्स गोना बी रफ. बट आई थिंक overall what we're going to see is ke the media is going to become more democratized information and a citizen ka jo ek relationship hai na information ke sath ke meri gali mein pani kyun nahi hai, meri gali mein bijli kyun nahi hai, pakistan mein pani ka crisis kyun hai. Main karachi mein rehti hu. DHA pakistan ka sabse mehanga slum hai, hame kuch nahi milta usme. हम पानी के लिए पे करते हैं. और मैं आपको बताऊं, जो व्हेन आई थिंक अबाउट इट समटाइम्स मेरा, आई थिंक माय ब्रेन इज़ गोना एक्सप्लोड. हर जो घर है DHA में, एंड वी हैव लाइक क्लोज टू हाफ अ मिलियन होम्स, एवरी होम स्पेंड्स अबाउट 30,000 to 50,000 रुपीज़ ऑन वाटर. एंड द पेट्रोल दैट इज़ बीइंग स्पेंड, जो पैसे पेट्रोल पे खर्च हो रहे हैं वो अरबों में जा रहे हैं. ये गरीब मुल्क है, ये लोग पानी पे इतना क्यों खर्च कर रहे हैं? दैट मनी शुड हैव बीन गोइंग टू द फ्लड्स. एंड व्हाई इज़ इट कि वो जो पानी हमारे जो वाटर माफिया है, एक ज़माने में द स्टेट वॉज नॉट प्रोवाइडिंग इट, ठीक है ना, तो कुछ लोगों ने एक्सप्लॉइट किया, लेकिन वो जो एक्सप्लॉइटेशन है वो इंस्टीट्यूशनलाइज हो गई है. लेकिन इट इज़ एन इनफिशेंट सिस्टम. पेट्रोल शुड नॉट बी यूज इन वाटर बींग ट्रांसफर्ड टू हाउसेज, इट शुड बी कमिंग थ्रू पाइप्स. सो हमारे इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं पाकिस्तान में. सो वंस सिटीजन्स बिकम एम्पावर्ड एंड दे कैन बी आर रिप्रेजेंटेटिव्स, तो आई थिंक ये चेंजेस आने लग जाएंगे. थैंक यू सर. उमेद, आई मीन काफ़ी चीज़ें जो अभी बात हुई और जो आपने भी बात की, जो असद ने बात की शुरू में, कॉलोनियल या पोस्ट कॉलोनियल रियासत की या उसके स्ट्रक्चर की, आपने बात की कि ये जो पॉलिटिक्स का डिसकनेक्ट है इस वक्त आवाम से, तो इसका एक हल, एंड आप जाहिर है उस पर एक्सपर्ट भी हैं, बहुत लिखते भी हैं, बहुत बात करते हैं, बहुत आर्टिकुलेट तरीके से, जो लोकल गवर्नमेंट का एक तरीका तो ये था कि अगर आपने सिटीजनरी को स्टेक देनी है इन द सिस्टम, पॉलिटिकल स्टेक देनी है, तो आप लोकल गवर्नमेंट का एक सिस्टम लाएँ जिसके साथ साथ आप ये जो कॉलोनियल ब्यूरोक्रेसी थी इसको रिफॉर्म करें. इस पे जो पाकिस्तान का एक्सपीरियंस रहा वो ठीक है कि हमने देखा कि कभी बहुत फार लोकल गवर्नमेंट आई, बेशक वो मिलिट्री रूल में आई, मगर इसका जो साइक, इस पे जो रेजिस्टेंस है रियासत की भी,
सियासी जमातों की भी, एक तो यह है कि इस मुल्क का सियासत का एक एलीट कैप्चर है, मैं एक सियासी जमात हूँ, तो मैं कहूँगा भाई लोकल गवर्नमेंट भी आने दो, इसका भी हम एलीट कैप्चर करते हैं, मैं इसको वो दूंगा। ये इस पे जो रेजिस्टेंस है लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम, इकफाल निज़ाम पे, जो हमने देखा है अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम कट अक्रॉस करती है, जिसमें सियासी जमातों ने ये नहीं सोचा कि हम इस पर अडेप्ट कर लेते हैं, भाई हम कौमी सूबाई का इलेक्शन लड़ते हैं, हम लोकल गवर्नमेंट पे भी कैंडिडेट खड़े करेंगे। एक तो वाई इज़ दैट, ये रेजिस्टेंस जो है इनहेरेंट रेजिस्टेंस टू लोकल गवर्नमेंट, डिवॉल्विंग डिसीजन मेकिंग टू लोकल गवर्नमेंट्स, एंड सेकेंडली फॉर पाकिस्तान टू बी एट 2047, जब हम पाकिस्तान अगले 25 साल में बात करते हैं, तो क्या एक फाल लोकल गवर्नमेंट 140A जो भी, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल फाइनेंशियल डेवोल्यूशन हो, उसके बगैर ये जो तमाम बातें हम जो खासतौर पे रियासती ढांचे की या सियासत की कर रहे हैं, क्या ये मीनिंगफुली अचीव हो सकती हैं? थैंक यू स्वरूप। आई थिंक असद ने तो बिल्कुल शुरू में ये मेंशन किया था कि मुकाम बल्दियाती हुकूमतों के बगैर हमारे सियासी निज़ाम में तब्दीली लाना बहुत बहुत मुश्किल है। मैं इस बात से पूरी तरह मुत्तफिक हूँ। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जैसी भी बल्दियाती हुकूमतें पहले आई हैं, वो द प्रेजेंस ऑफ एनी टाइप ऑफ लोकल गवर्नमेंट हैज़ बीन बेटर दैन द एब्सेंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स इन एवरी फॉर्म, वेदर इट वॉज इन 2001, वेदर इट वॉज इन 2005, इवन इन द शॉर्ट लिव 2015 वेरियंट। आप लोगों से जाके पूछें, लोग याद करते हैं कि जब वो अपने उनके पास काउंसलर तक रसाई थी, जब उनके पास यूसी नाजम तक रसाई थी, तो उनके मसले जो हैं वो ज़्यादा बेहतर हल होते थे। हमने इसमें एक 18वीं तरमीम के तहत आईन में भी तब्दीली लेकर आए, हमने एक आर्टिकल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसमें डाल दिया। वो मेरे ख्याल से वो इनसफिशेंट है, और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि अगर MNAs और MPAs की सियासी हैसियत जो है वो एक काउंसलर और नाजिम के काम करने की बुनियाद पर मबनी है, तो उनका एक इंसेंटिव है कि वो लोकल गवर्नमेंट्स को फाल ना होने दें। तो मेरे ख्याल से हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने बहुत इस पे जो जो इनकी पोजीशन है वो बड़ी रैशनल पोजीशन है, अगर आप इस परस्पेक्टिव से सोचें कि वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यानी कि MNAs और MPAs जो हैं वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से दो तीन और रास्ते हैं इनको कायम करने के लिए, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान एट 100 अगर हम आज से 25 साल बाद की बात करें तो उसमें फंक्शनिंग और फाल बल्दियाती निज़ाम जो है वो बहुत अहम है, और वो पाकिस्तान के सियासत के बहुत से मसलों को हल करने के लिए बहुत ज़रूरी रोल प्ले कर सकता है। मेरे ख्याल से एक जो बहुत बड़ी तब्दीली लाने की ज़रूरत है वो ये है कि आइन के अंदर एक ऐसी तरमीम होनी चाहिए जो कि बल्दियाती हुकूमतों को, लोकल गवर्नमेंट्स को, एक थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करते हैं। इसका प्रेसिडेंट जो है वो आपको बहुत से ममालिक में मिलेगा, ब्राज़ील में एक पूरा सेपरेट चैप्टर है लोकल गवर्नमेंट्स के ऊपर, तो फिर लोकल गवर्नमेंट्स जो हैं वो एट अ विम डिसमिस नहीं हो सकेंगी। दूसरी चीज़ ये कि हमारी अदलिया ने जनरली एक पॉजिटिव रोल प्ले किया है लोकल गवर्नमेंट्स की प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन मेरे ख्याल से इस रोल को और ज़्यादा पॉजिटिव करने की ज़रूरत है। लोकल गवर्नमेंट्स की सैंक्टिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए जुडिशल रूट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रूट है, और मेरे ख्याल से वो हुकूमत जो है चाहे जो भी हो, अदलिया को इस मामले पे क्लियर होना चाहिए और लोकल गवर्नमेंट्स की प्रोटेक्शन जो ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल से जब लोकल गवर्नमेंट्स इन प्लेस हों, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन भी हो, आइन जो है वो उनको रिकग्नाइज करे, उनको एक्नॉलेज करे, और उसके साथ साथ उनकी इख्तियारात जो हैं वो भी लीगली उनके पास सारे मौजूद हों, जिसमें सबसे बड़ा इख्तियार जो है वो टैक्सेस लगाने का, फाइनेंसेस रेज करने का इख्तियार है, तो मेरे ख्याल से आपके बहुत से और जुड़े हुए मसले हैं जो कि हल हो सकते हैं। इसमें सियासी जमातों ने तो अपनी पोजीशन बहुत क्लियर रखी हुई है, लेकिन मेरे ख्याल से अगेन इसमें मीडिया का, सिविल सोसाइटी का, एकेडीमिया का, और हमारी जो लीगल कम्युनिटी है उसका रोल बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल से इस पर अवेयरनेस डालने की मज़ीद जो है वो हमें कोशिशें भी करनी चाहिए, और मेरे ख्याल से इस बात को हमें तस्लीम कर लेना चाहिए कि एक 220 मिलियन यानी कि 22 करोड़ आवाम का जो मुल्क है वो चंद
हज़ार या सौ मुंतखब नुमाइंदों से नहीं चल सकता, ये इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता, ये किसी मुल्क ने आज तक करने की कोशिश नहीं की, और हम जो हैं इसको हम 75 साल से करने की कोशिश कर रहे हैं. तो मेरे ख्याल से ये एक तब्दीली है जिस पे दिस इज़ दी ओनली थिंग दैट आई ऑल्सो थिंक इज़ वर्थ फाइटिंग फॉर, दैट रियली सॉर्ट ऑफ सॉल्व्स अ लॉट ऑफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स. एंड आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट 25 ईयर्स फंक्शनिंग लोकल गवर्नमेंट्स वुड प्रॉब्ली बी अ मेजर पार्ट ऑफ एनी सोल्यूशन दैट वी आर कंसिडरिंग एट दिस पॉइंट. थैंक यू. आई थिंक बिफोर वी एंड, बिकॉज ये टॉपिक इतना वसी था और इस पर जो गुफ्तगू हुई, आई थिंक अ लॉट ऑफ दिस इज गिवन अ लॉट ऑफ फूड फॉर थॉट. आई वुड एज बिफोर आई एंड दिस सेशन आई वुड गो बैक टू ऑल थ्री पैनलिस्ट, बिकॉज देयर इज व्हाट आई थिंक द गुड थिंग अबाउट दिस पैनल आई फाउंड is even in the grim landscape where the challenges are acute, jaise humne kaha ki jo Pakistan hamesha se nazuk mod se guzar raha tha, magar ab jo mushkilat hain wo har satah par shayad wo unprecedented hain. ye ek conversation thi jisme ek viable pathway forward jo hamare teenon panelists, but I want them to take 2 minutes each, perhaps 2-3 minutes maximum. एंड ये जो बहुत सी बात ये हुई भी सहार ने की, जिस पे उन्होंने कहा कि जो उम्मीद की भी बात है, आई मीन, और मैं चाहूँगा कि असद, सहार, उमेर, जो आप लोग, हमें, हमारे पास एक वायबल पाथवे फॉरवर्ड है, हमने जो चैलेंजेस हैं उनका अहाता भी किया है, वो बहुत ग्रेव चैलेंजेस हैं, बट व्हाट गिव्स यू होप, व्हाट गिव्स यू होप, आई स्टार्ट विद यू इन द. थैंक यू स्वरूप साहब. मेरे लिए जी एक चीज़ जो कि जिससे मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा लोग पर उम्मीद हुए, 70 साल बाद एक काला कानून, एक कलोनियल निज़ाम और मिलियंस ऑफ पीपल जिनको आपने डिसनफ्रेंचाइज रखा हुआ था, उनको उनके बुनियादी हकूक नहीं फ्राहम किए थे, उनको कबायली इलाकों तक महदूद किया हुआ था, उनको बतौर पाकिस्तानी शहरी उनकी आपने शहरियत नहीं तस्लीम की हुई थी. फाटा खैबर पख्तूनख्वा का जो इंजमाम हुआ है, मैं समझता हूँ कि आपने एक 70 साल पुरानी जो गलती की थी उसको बहाल करने, उसको ठीक करने की कोशिश की, वो शायद नामुमकिन हो लेकिन एक तरह से उसकी कुछ ना कुछ रेस्टिट्यूशन थी. और ये एक उमैर का मैंने एक नुक्ता बार बार प्लेजराइज किया हुआ है और रीप्लेजराइज किया हुआ है, और लेकिन ये उमैर ने कहा था कि शायद वन यूनिट तोड़ने के बाद आपने पहली बार लोगों को इनफ्रेंचाइज किया है. ये बल्कि मैं उसको भी मैंगल कर रहा हूँ, उमैर ने इससे भी बेहतर बात की थी. तो एक तो ये चीज़ थी. जो दूसरी चीज़ थी वो भी उमैर के एक और नुक्ते से जुड़ी हुई है, वो जो सेलफोन वाली चीज़, वो ये है कि अब लोगों के दिलों में एक तरह की, चलें अदम बर्दाश्त नहीं कहना चाहिए, बट एक तवक्को है कि इससे बेहतर पाकिस्तान हो सकता है. और अब जो एक पहले एक मेयार था कि जी एक एलीट का एक गठजोड़ है जो कि आटा में है, ऑटो में है, चीनी तो आप छोड़ ही दें कि चीनी अभी वो है क्या, दैट इज इट्स जस्ट अ मार्केट अनटू इटसेल्फ. सियासी जमातों में सिर्फ और सिर्फ पहले यही एक्सपेक्टेशन थी कि ये ख़ानदानी बादशाहत है, उससे आगे ये नहीं बढ़ सकती. आप अवामी नेशनल पार्टी को देख लें, वो जनरेशन 4 पे हैं, 4th जनरेशन, मैं समझता हूँ ये शायद दुनिया में एक रिकॉर्ड होगा. उससे हट के पहली बार आप देख रहे हैं कि जिस तरह लोग अब अस्करी क़ियादत के मुतालिक बात कर रहे हैं या तनकीद का इजहार कर रहे हैं, वो आपने माजी में नहीं देखा था. और ये सिर्फ तब होगा जब आप आज़ादी इजहार राय की बातें हम करते हैं, बहुत बुलंद और बहुत कंसेप्चुअल, लेकिन मैं समझता हूँ ये इस एक्सपेक्टेशन से जुड़ी हुई है कि जब मैं फ़ोन पे इन तमाम चीज़ों को देखता हूँ तो मायूसी से बढ़कर फिर भी एक एक्सपेक्टेशन है कि पाकिस्तान एट 100 हैज़ टू बी बेटर देन दिस. और ये जो एक अज़म है और एक इंथूजियाज़म है, मेरे ख्याल से पहले नहीं था. तो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान एट 100 विल बी बेटर.
थैंक यू. आई थिंक पाकिस्तान एट 100, अभी जो हम चैलेंजेस हम एक्सट्रीम समझ रहे हैं ना कि ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, आई थिंक 2047 में वो चैलेंजेस फ़र्क होंगे. अगर हमने अभी चेंज नहीं किए अपने वेज, इफ़ वी डोंट हैव मोर रिप्रेजेंटेटिव्स इन पॉलिटिक्स, अगर हमने अपनी पॉलिटिक्स पॉलिटिकल पार्टीज को चेंज नहीं किया, तो बहुत बड़े बड़े मसले होंगे. हम डीकॉलोनाइजेशन की अगर हम बात करें, हम पहले कॉलोनाइजेशन की भी बात करें, चाइना का अगर हम बात करें अभी, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट हाउ वी आर गोइंग फॉरवर्ड. वी कुड बी इन अ वेरी डिफरेंट सिचुएशन. अगर मैं टिकटॉक की मैंने तारीफ की और मैंने कहा दिस इज़ वन थिंग आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, वन थिंग दैट कंसर्न्स मी इज़ टिकटॉक इज़ गिविंग अ लॉट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन टू पाकिस्तानीज, लेकिन इट्स अ हैवीली सेंसर्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. मैं खुद टिकटॉक पे न्यूज़ प्रोड्यूस करती हूँ एक इंटरनेशनल अदारे के लिए, और मेरे पाकिस्तान स्टोरीज 70% सेंसर होते हैं. सो जो टिकटॉक पे आप लोगों के सामने चीज़ें आ रही है, वो मोस्टली एंटरटेनमेंट एंड लाइट चीज़ें आ रही हैं. एनी हार्ड न्यूज़ इट्स बीइंग सेंसर्ड. सो आई एम कंसर्न्ड अबाउट दैट इन 2047. एंड देन व्हाट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इज़ कि जो दुनिया में चेंजेस आ रहे हैं, दे आर गोइंग टू स्पिल ओवर इन टू पाकिस्तान. अगर मैं जो सक्सेसफुल डेमोक्रेसीज हैं दुनिया की, अगर हम नॉर्डिक कंट्रीज़ को देखें, ऑल द पॉलिटिकल लीडर्स, सो मेनी ऑफ द पॉलिटिकल लीडर्स आर यंग वुमेन अंडर 35, एंड दैट्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान. ज़्यादातर हमारी पॉपुलेशन इज़ अंडर 30, एंड हाफ ऑफ आर पॉपुलेशन दे आर वुमेन. सो आई एम होपिंग वी सी मोर ऑफ दैट इन आवर पोलिटिकल पार्टीज, एंड आई ऑल्सो होप कि जो भी हमारी सियासत में तब्दीलियाँ आएँ, दैट दे मेक दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. नॉट जस्ट वी डोंट वॉन्ट पोलिटिकल पार्टीज एंड लेगेसीज एंड फ्यूडल फैमिलीज, वी वॉन्ट यंगर पीपल बिकॉज दैट्स रिप्रेजेंटेटिव. They understand problems differently, and they also see the world differently. So they should be at the forefront. And then I also think that it's not sustainable the level of exploitation we have in Pakistan. Hamara minimum wage hai 25,000 rupees a month in Punjab and Sindh, and most people do not pay that in their to their domestic workers, and they don't pay that in factories. That is the backbone of our industrial economy. This is highly problematic. We have a rule of law in this country, and I'm hoping ke jitne zyada hamari citizen journalists ko freedom milega, wo is tarah ke issues ko uthayenge aur wo samne layenge, taki we can push the people who have power to be fair. Thank you. I'm generally not in the business of thinking about hope. तज़िये में हम usually पीछे देखते हैं और despondent किस्म की बातें करते हैं. Hope मेरे ख्याल से दो बातें हैं जो मैं अपने fellow panelists से plagiarize ही करूँगा बुनियादी तौर पर. एक तो ये कि transparency जो है वो बढ़ गई है. इट्स लोगों को बेवकूफ़ शायद अभी भी लोग आप बना सकते हैं, लोग बनाते भी हैं, बट ज़्यादा देर तक बेवकूफ़ बनाना बहुत मुश्किल काम है. मेरे ख्याल से लोग बहुत जल्दी सब कुछ सामने आ जाता है और लोगों को नज़र भी आ जाता है. ख़ासतौर पे अगर आप देखें हमारी मे बी इट्स नॉट अ ग्रेट थिंग, लेकिन हमारे जुडिशल फैसलों के ऊपर जिस तरह की कमेंट्री होती है लोगों की, कि वो जो डिसीजन आता है उसमें बहुत यू नो पेजेस अपॉन पेजेस होते हैं कि हमने ये फैसला इन बुनियादों पर किया, और एक ट्वीट होगी कि जी उनको फ़ोन आया था तो उन्होंने ये फैसला कर दिया. मेरे ख्याल से ये बहुत ट्रांसपेरेंट एक There's everything is very transparent, and one hopes ke transparency ke baad the next thing is accountability. You know, we just hope ke transparency hai. Ab inko zara jo hai na wo log they will hold them accountable. That's one thing I think we can only go up. That's you know maybe that's the thing that I would rest on. The second thing is part of what I sort of talked about earlier ke hamara maashra kaise tabdeel ho raha hai. Usme main ek aur statistic hai jo main cite karna chahunga. 2021 mein 20 से 35 का जो एज कोहर्ट है पाकिस्तान में, उसमें मोर वुमेन हैव अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज देन मैन. सो मोर वुमेन आर नाउ एजुकेटेड देन मैन बिटवीन द एजेस ऑफ 20 टू 35. ठीक है, दिस इज एन अनप्रेसिडेंटेड ट्रांसफॉर्मेशन जो कि एक पाकिस्तान जो कि एक इंतहाई जेंडर अनइक्वल सोसाइटी है, उसमें ये तब्दीली आई है, और ये बहुत से मुख्तलिफ तरीक़ों से अपने आप को रिफ्लेक्ट करेगी. शायद अभी ना करे, बट हो सकता है अगले 5 या 10 सालों में
विच मीन्स के आपने चले औरतों को काम करने से रोका हुआ है, तो हो सकता है घर में जो डिसीजन मेकिंग है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स आ जाएं, यू नो, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ. आई वॉन्ट गेट इन टू यू नो वॉट एग्जैक्टली दिस विल लीड टू, बट आई फाइंड दिस टू बी अ वेरी पोर्टेंट स्टेटिस्टिक विच आई थिंक इज गोइंग टू ओनली इंक्रीज इन द फ्यूचर एज वेल. एंड फाइनली द थर्ड थिंग दैट आई फाइंड इनकरेजिंग is the very act of urbanization. So लोगों का देहातों से उठ के शहरों में आना और वहाँ पे यू नो मुख्तलिफ किस्म के काम काज में खुद काम अपना बनाना, क्रिएटिविटी जो है इकॉनमी के अंदर आपको लोगों की नज़र आती है, लोग किसी ना किसी तरह ज़रिया माश अपना बना लेते हैं. मेरे ख्याल से ये चीज़ें जो हैं ये एक नेचुरल एंटरप्राइज है, हर सोसाइटी में होता है, पाकिस्तान इज़ नो डिफरेंट. एंड इट आई थिंक इट्स समथिंग जो कि आपको ऑप्टिमिज्म दे सकता है कि फॉर द फ्यूचर यू नो के लोग अपनी पुराने जो उनके एक रहन सहन का तरीका है जिसमें बहुत से मसाइल भी हैं उनको लोग छोड़ के अब उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ किसी ना किसी फॉर्म में खुल रही हैं, यू नो दैट कुड पोटेंशियली बी इट. सो या थैंक यू.